आ गया, लेकिन कुछ जलील औरतें हैं सिर्फ चंद व्यू के लिए ना रोज मेरे और मेरे बच्चों को लेके ना वीडियो बनाए जा रही है बनाए जा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 9 महीने पहले की वीडियो क्यों नहीं देख रही है, वो 9 महीने में पहले कैसे दिखती थी और हाँ अब कैसे दिख रही हूँ वो क्यों नहीं। क्लियर करने वाली हूँ और उनके मुंह पे ना बहुत जोरदार तमाचा मारने वाली हूँ, तो कैमरा थोड़ा सा आप आगे लेके जाइए। तो गाइज ये है मेरा प्रेगनेंसी के बाद कुछ जलील औरतें मेरे इस पेट के लिए बोलती थी कि मैंने सिलिकॉन की बेल्ट लगाई है, तो क्या कहीं से आपको सिलिकॉन की बेल्ट दिख रही है? और दूसरी बात, आपके भी बच्चे हैं तो ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में आती है, और जितनी प्रेगनेंसी होती है ना उतनी ये डार्क लाइट होती जाती है। जैसे कि मेरी लाइन बहुत ज्यादा लाइट हो गई है, ऐसे पायल की लाइन भी लाइट होगी। मतलब गाइस तुम लोग कैसे हो, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम लोग देख लो ये मेरी टी शर्ट है और ये मेरा पेट है और ये मैं पूरा घूम गई हूँ ऊपर करके दिखा रही हूँ। शर्म आनी चाहिए, मतलब एक माँ के ऊपर उंगली उठा रही हो तुम जलील औरतों। मतलब तुमने मेरे को ऐसा लगी, ये साबित कर दो ना कि बच्चे मैंने डिलीवर नहीं किए हैं तो आज मेरे पास जो भी है ना मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, और अगर तुम ना कर पाए जो तुम इसके आगे दिखा देती हूँ। तो ये मेरा पेट है कटा हुआ जो मैंने कटवाया है, ठीक है? अब इससे ज्यादा ना कोई बेवकूफ इसको दोबारा ये बोलने का मौका मिले कि ये बच्चे मेरे नहीं है, बस इतना ही कहूंगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, नहीं जा सकता इतनी जल्दी। इतना तो सोच लो कि सर्दियों का टाइम था, जब सर्दियों का टाइम होता है ना तो मुझे भी आदत है ऐसे करने की। ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि घूमते जब उनके शर्म। यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए ये जो मैंने आज कपड़े उतारे हैं ना, मैंने अपने सिर्फ बच्चों के लिए उतारे हैं। और एक बात और फिर बोल रही हूँ कि अभी इसी बार ना जैसे दिल्ली जाके पैर चाटे है ना, यहाँ चंडीगढ़ बुला के पैर चटवा दूंगी अगर मेरे बच्चों के बारे में दोबारा बोला। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वकूफ लोग वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया, ठीक है। कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी पूरी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहता, ना वो रही ना हम रहे। और हालांकि ये बात है, हमें ना हर कोई देखता है, हर कोई देखता है तो वो भी देखती होगी। कौन होते फैसला करने वाले, तुम कौन होते पंचायत करने वाले? मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है, और कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास। दो बच्चे कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये कहाँ गए, चलता नहीं है। जब तक अरमान का नाम नहीं आएगा, जब तक हमारा नाम नहीं आएगा, कोई देखेगा नहीं आपका, आपका कोई व्लॉग नहीं देखेगा, कोई कोई। पायल ने आज अपना पेट दिखा दिया है, बहुत कोई गलत गलत कमेंट कर रहे थे तो अपने स्टेज मार्क दिखाई है, जो ऑपरेशन हुआ है वो दिखाई है, और पेट निकला हुआ है वो भी दिखाई है। ट्विंस बेबी थे, बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है। कुछ औरतें बोल रही थी कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, तुम्हारा पेट निकला हुआ नहीं है, सिलिकॉन का बेल्ट लगाई हुई थी। तो पायल ने दिखाई है सब, पूरा पेट दिखाई है, पीछे से भी बैक से भी दिखाई है। और अरमान मलिक की पहले भी एक और बीवी थी जिससे डिवोर्स हो गया था, 17 साल की उम्र में अरमान मलिक का उससे शादी हुआ था, तो नहीं बना तो डिवोर्स हो गया। और पायल ने धमकी दी है कि आज के बाद कोई कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आज बोल के मैं छोड़ रही हूँ, फिर नहीं छोड़ूंगी।